प्रेजेंटिंग ऑल न्यू मारुति सुजुकी वैगनार। जी हाँ दोस्तों, ये फोर्थ जनरेशन मारुति सुजुकी वैगनार है और ये लॉन्च हो चुकी है। हम इसके प्राइस के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसके डायमेंशन के बारे में जानेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू बिग वैगन आर से। इसका डायमेंशन के बारे में देखते हैं। लेंथ इसकी अब हो चुकी है 3655 mm, इसकी विड्थ हो चुकी है 1620 mm, इसकी हाइट हालांकि कम हो चुकी है 1675 mm हो चुकी है। अब ये ज़्यादा स्टेबल रहेगी रोड पे, हाई स्पीड पे। इसका व्हील बेस बढ़ चुका है, व्हील बेस हो चुका है इसका 2435 mm, टर्निंग रेडियस है 4.7 mm। जी हाँ दोस्तों, ये है बिग न्यू मारुति सुजुकी वैगन आर। आप सोच नहीं सकते कि ये बहुत ज़्यादा बिग हो चुकी है, बिल्कुल मिनी एमपीवी की तरह नज़र आती है। हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। इसके जो ये है, इसके हेडलैम्प, इसके नीचे आपको साइड लैम्प मिलेंगे, साइड इंडिकेटर मिलेंगे, उसके नीचे फॉग लैम्प आपको मिलेगा। ग्रिल है सिल्वर कलर का, उसके अंदर आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा इसका। हालांकि इंजन कंपार्टमेंट जो है वो कम कर दिया गया है थोड़ा सा। साइड से देखते हैं दोस्तों, अब साइड से भी ये बहुत ही लंबी नज़र आती है। माय गॉड, आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये अब बहुत ही लंबी वैगनार हो चुकी है, बहुत ही स्पेसियस वैगनार हो चुकी है। बहुत लोगों की कंप्लेंट आती थी वैगनार लेते टाइम, लोग सजेस्ट करते थे अरे भाई मत लेना, बहुत छोटी गाड़ी है, तीन लोग आराम से नहीं बैठ पाते पीछे। लेकिन अब इस गाड़ी में तीन लोग आराम से बैठ पाते हैं पीछे, और बहुत ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी में। साइड्स डोर में भी बॉटल होल्डर वगैरह बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत बड़ी हो चुकी है अब ये गाड़ी। आप इसको देख सकते हैं, अब ये बहुत खूबसूरत नज़र आती है, बहुत लंबी नज़र आती है साइड से। दोस्तों टायर की बात करें तो लोअर वेरिएंट में 13-inch टायर आते हैं, हायर वेरिएंट में 14-inch टायर आते हैं। पीछे की बात करते हैं रियर व्यू की, यहाँ पर आपको वैगनार का नाम मिलेगा बिल्कुल पुराने वैगनार की तरह। ये पीछे का व्यू है। इसके टेल लैम्प की बात करें, टेल लैम्प एर्टिगा की तरह नज़र आते हैं, बिल्कुल एसयूवी की लुक दिया है पीछे से। ये वैगनार का नाम है। रियर पार्किंग सेंसर्स भी है इसमें, हालांकि कैमरा लोअर वेरिएंट में नहीं है। वन ड्राइवर साइड एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड की गई है। दूसरी बात, एबीएस ईबीडी भी स्टैंडर्ड है इस गाड़ी में, आपको लोअर वेरिएंट से ये मिलेगा। अगर आपको को ड्राइवर साइड एयरबैग चाहिए तो आपको वो जो है वो एयरबैग आपको ऑप्शन में मिलेगी। बूट स्पेस जो है 341 लीटर का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बूट स्पेस 341 लीटर का मिलता है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गाड़ी कितनी बिग हो चुकी है, कितनी लंबी हो चुकी है, जो 341 लीटर का बूट स्पेस ऑफर कर रही है। इसकी सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है, और ये 341 लीटर का बूट स्पेस है। जी हाँ दोस्तों, डैशबोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग पे आपको मिलेगा कंट्रोल, यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिए गए स्टीयरिंग पे। टच स्क्रीन की बात करते हैं, 7 इंच टच स्क्रीन मिलेगा आपको इसमें, मिलेगा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ये केवल हायर वेरिएंट पे ही मिलेगा। स्मार्ट प्ले मिलेगा आपको लोअर वेरिएंट में, ब्लूटूथ है, 2 स्पीकर्स है, यूएसबी कनेक्टिविटी है, स्टीयरिंग माउंटेड वॉइस कंट्रोल्स भी इसमें अवेलेबल है। एसी विंड की बात करें तो एसी विंड पुराने कार की तरह है साइड के, लेकिन जो टच स्क्रीन के साइड के एसी विंड है वो कुछ अलग दिए गए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा सेंट्रो की तरह आपको नज़र आएंगे, लेकिन उसका शेप जो है वो अलग है। एसी विंड जो है रियर सीट पे नहीं दिए गए हैं, एसी विंड नहीं मिलेगा आपको रियर सीट पे।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नया मिलेगा, बिल्कुल ही अलग है ये, अच्छा सा दिखता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो ये है आपका नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंजन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दो टाइप की इंजन मिलेंगे, एक है 1 लीटर, दूसरा है 1.2 लीटर। तो पहले चले बात करते हैं 1 लीटर इंजन की। ये है 100 cc के सीरीज इंजन, 3 सिलेंडर, ये 50 किलोवाट का इंजन है, 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 3500 RPM पे। ये BS4 इंजन है। अगर हम दूसरे इंजन की बात करते हैं, सॉरी पहले इंजन की बात करते हैं, पहले इंजन में ये आपको 22.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगा। चलिए दूसरे इंजन की बात करते हैं, 1.2 लीटर का ये 4 सिलेंडर के सीरीज इंजन है, करीबन ये 1200 cc का इंजन आता है। और ये इस इंजन के बारे में हम बात करते हैं, ये 61 किलोवाट का इंजन है, 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 4200 RPM पे। ये BS4 का 4 सिलेंडर इंजन है के सीरीज। इसमें केवल पेट्रोल इंजन है, अभी तक CNG का कोई इसमें कहा नहीं गया कुछ। प्राइसिंग की बात करते हैं, 1 पेट्रोल उसमें 4 आपको वेरिएंट मिलेंगे, 1 लीटर में 2 मिलेंगे, 1.2 लीटर में 2 वेरिएंट मिलेंगे, 1.10 लीटर में मिलेगा मैनुअल में। इसकी कीमत शुरू होती है 4.19 लाख से और इसकी कीमत ख़त्म होती है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की 5.69 लाख में। ये इसके 4 वेरिएंट है, LXi, VXi, VXi और ZXi। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा मैनुअल प्लस AMT ट्रांसमिशन भी मिलेगा। तो ये है प्राइसिंग इसकी, एक्स शोरूम कीमत। इसकी प्राइसिंग आपको अगर मैं कहूँ तो इसके जो हायर वेरिएंट है थोड़े से ज़्यादा महंगे नज़र आएंगे आपको। इसकी कीमत जो है वो करीबन ऑन रोड 6.5 से 7 लाख तक पहुँच सकते हैं, और आप उस कीमत में जो है वो ग्रैंड i10 कंसिडर कर सकते हैं, इग्निस कंसिडर कर सकते हैं, आप स्विफ्ट पर भी जा सकते हैं। तो इसकी जो समथिंग लोअर वेरिएंट है जो VXi है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हो, इस गाड़ी का जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है इंजन का, इसकी टेस्ट ड्राइव देखना चाहते हो, इसका रिव्यू देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो मैं ये डालने वाला हूँ, ऐसे ही वीडियो आते जाएंगे। प्लीज़, सो थैंक यू।